You have to take this route. This route. For Udaipur. Okay. 80 kilometers bad patch. Rest of the road is good till Kilong. So first 80 kilometers is bad. 80 kilometers is like bumpy ride. And roads are like. Like this. This is such much. No, not like that. Better than that. Okay, got it. And not that much steep. Okay. So curves and all this stuff? Curves, there will be curves, but okay. Not compared to this Pangi ones. Okay, okay. This is a bit difficult, very steep curves. Okay. Okay. Hi guys, what's up? Welcome back to the channel once again. This is Joel here from Vadodara, Gujarat. So right now I am over here in Kilad, and this is the next part. So agar aapne pehle ke parts nahi dekhe, तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस इज द डेडली सोलो राइड फ्रॉम गुजरात टू सच पास. और अभी मैं हूँ किलाड में और किलाड से अपने अभी शुरू करेंगे और फर्दर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, एंजॉय द वीडियो अहेड. सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम किलाड. दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ. यहाँ पर मेरी बाइक है. ये रही हिमालयन सेफली पार्क्ड एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर हिमालयाज. तो इसको एक्चुअल में बोलते हैं पांगी वैली. इट इज़ वेरी स्टीप, वेरी डेंजरस और बहुत नैरो रोड्स है. एज यू कैन सी, यहीं से आए अभी. ये पूरा रास्ता पतले पतले रास्ते जा रहे हैं यहाँ से पहाड़ी. एंड दैट इज़ चिनाब रिवर, यहाँ से जाती है. बहुत ठंड, सॉलिड ठंड एकदम. बड़े बड़े पहाड़, ये देखो, स्नो से कवर्ड. और ये इस तरह का रूम है यहाँ पर. ये सब पूरा अस्त व्यस्त है अभी मेरा. अभी मॉर्निंग हुई है, कल रात को मैं इधर बस लेट गया, सो गया आराम से. एक मेरे टैंक बैग है, ये मेरा दूसरा एक बैग है एक्स्ट्रा. दूसरा ये मेरा हेलमेट. यहाँ पर ये मेरा टेंट, ये मेरा सैडल बैग्स, सब चीज़ चार्ज में रखी थी. अभी मैंने फाइल ट्रांसफ़र किया. कल रात को मैं जो सो गया, मतलब लाइक 5 PM आई केम ओवर हियर. 11:15 को मैंने सच पास क्लियर किया और यहाँ पर मैं पहुँचा. तो पांगी वैली जो है वो थोड़ा टफ है, इसके लिए मेरे को पहुँचते 4:30 बज गए. बहुत टफ था रोड. एंड एज यू सॉ प्रीवियसली इन माई प्रीवियस वीडियोज, तो उस तरह का कुछ रोड्स था. अभी ये सब मैं पैक करूँगा बैग्स वगैरह और लोड करूँगा मेरे बाइक पे. एंड देन आफ्टर आई विल मूव ऑन टूवर्ड्स किश्तवाड़. तो अभी ये मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, चिकन है. अब जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ. पेट्रोल का पैसा, रास्ते में नाश्ता, दिमाग का भेजा फ्राई. ना रास्ते का भरोसा, ना मौसम का भरोसा. कौन भरेगा पैसा, कौन खाएगा गोली. हाँ, सो हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट करके अपनी सफ़र पर वापस टूवर्ड्स इश्तियारी रोड. तियारी इश्तियारी, वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया. एंड टॉप 5 में उसका नंबर आता है. अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मनाली जो है, मनाली तो वहाँ पर आज मोदी जी आ रहे हैं. आज 3 अक्टूबर है. तो दिक्कत ये है कि दे आर नॉट अलाउिंग एनी एंट्री टूवर्ड्स मनाली रूट. एंड ऑल्सो के अगर मनाली ले लेता हूँ तो मुझे उसके पहले मुझे स्टे करना पड़ेगा. दूसरा कि मुझे वो रूट इतना लेना नहीं है. आई वॉन्टेड टू डू दिस डेडलीस्ट रूट. और मुझे अटल टनल विज़िट करना था और मोदी जी आज आएंगे, इनोग्रेट करेंगे. उसके बाद वो कल या परसों ओपन होगी. सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग ओवर देयर अननेसेसरीली. राइड सेफ, मिलते हैं. या बूम, या ओके, यू टू. ये साइड का दिक्कत ये है, मैं अभी बहुत ख़राब तरीके से फंसा हुआ हूँ मनाली में. मुझे एंट्री नहीं देंगे वो साइड, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं. और ये इश्तियारी वाला जो रूट है, वहाँ आगे जाके वो मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर को, जीएनके को. जीएनके में अभी क्या सिचुएशन है वो पता नहीं है अपने को. आर दे अलाउिंग टूरिस्ट, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है आर्टिकल में कि आर दे आर अलाउिंग, दे हैव परमिटेड. तो देखते हैं वहाँ जाके. यहाँ से 7 किलोमीटर के पास एक बॉर्डर है जहाँ पर मुझे अपडेट मिलेगा दैट इज़ इट ओपन और नो. तो अगर ओपन होती है तो आई विल बी गोइंग एंड टेकिंग दैट रूट. अगर नहीं ओपन होती है तो आई विल बी एग्जिटिंग वाया उदयपुर. उदयपुर मतलब राजस्थान वाला नहीं, ये हिमाचल वाला उदयपुर. एंड देन विल हेड टूवर्ड्स मनाली. तो ये सीन है अभी तक का. और बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेल टिल नाउ.
In Jesus' name, we start and ride my bike. Take us safe, bring us safe. Remove all the satanic obstacles from our way. In Jesus' name, we pray. Amen. तो कल अपने ये रास्ते से आए थे, तो अभी अपना स्टार्ट होगा अपना डेडली राइड। अभी यहाँ से 5-7 किलोमीटर पे बॉर्डर आएगा GNK का, तो वहाँ पूछ लगे अगर एंट्री देते तो ठीक है, वरना आई विल हैव टू फोर्सफुली एग्जिट फ्रॉम मनाली। ऊपर ले लो, शुक्रिया। अभी चेक पोस्ट आएगा, इसके लिए मैं कैमरा बंद करूंगा क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो अभी छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है, इसके लिए हम लोग ये चेक पोस्ट है सनसरी, वहां पर रुके हैं सब लोग। बैरागढ़, उसके बाद टीसा वगैरह, और हिमाचल में मोस्टली स्नो लेपर्स बहुत है। तो यहाँ कुछ दिन पहले स्नो लेपर्ड देखा गया था फीमेल, ये जैसे पुलिस जो फॉरेस्ट ऑफिसर उन्होंने बताया। दूसरा कि यहाँ लेपर्ड्स बहुत है, स्नो लेपर्ड और भालू मतलब बियर, तो उससे ज़रा संभलना, रात को हो सके तो ये पहाड़ियाँ क्रॉस मत करना। यू कैन सी एकदम घनी पहाड़ी है, और हमको जाना है वहाँ पर, वो है हमारी मंजिल। ये दिस इज क्लिफ हैंगर, उसके ऊपर नया रोड बनाए इश्टियारी से, वो बाईपास हो जाता है क्लिफ हैंगर को। अपने को तो एडवेंचर का कीड़ा है, तो अपन जाएंगे क्लिफ हैंगर। तो यहाँ पर हुई थी लैंडस्लाइड, और ये है सनसरी नाला, यहाँ का बड़ा फेमस नाला है ये। यहाँ रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि हमको जाना है क्लिफ हैंगर। JNK बाउंड्री बिगिंस, हिमाचल एंड्स। Now we are in GNK, Jammu and Kashmir. यहाँ भालू होते हैं, भालू बेयर्स और दूसरा स्नो लेपर्ड, तो उनसे बहुत संभालने का, हो सके तो रात को कभी भी ये क्रॉस नहीं करने का जंगल, बिकॉज दिस इज हिमाचल, हिमाचल में बहुत सब है वाइल्ड एनिमल्स। अभी 2 दिन पहले ही एक बंदे को अटैक किया था नीचे मुझे चेक पोस्ट पे, वो बंदों ने बोला क्लिफ हैंगर जाने को किलाड़ से ये पूरा आपको जंगल क्रॉस करना पड़ता है, और ये बहुत स्टीप चढ़ाई है और पत्थर पत्थर है पूरे। अरे बाप रे बाप, मज़ा आता है अपन जंगलों में। अभी मैं हिमाचल बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और ये जम्मू कश्मीर में ही हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर, और 50-60 किलोमीटर का पैच ऐसा है पूरा। उसके बाद क्लिफ हैंगर के बाद अच्छी रोड आती है, और यहाँ मेरे को तो डर लग रहा है स्नो लेपर्ड और भालू से, यहाँ बहुत है। मेरे को टकरा गया सामने तो सीधा अटैक करेगा खुद की सेफ्टी के लिए, और यहाँ कृपया करके गाड़ी खड़ा ना करें, या तो पत्थर आपके पे गिर सकते हैं। ये पूरा जंगल है और मैं अकेला हूँ यहाँ पर, कोई नहीं है, कोई बाइकर को नहीं देखा मैंने यहाँ पर, ना कि कोई लोकल्स। एक बार किश्तवाड़ पहुँच जाऊँ, उसके बाद जाऊँगा पटनी टॉप, पटनी टॉप से उधमपुर, उधमपुर से चिनानी नाश्री टनल लेके टुवर्ड्स पंजाब। तो आज का मेरा वो प्लान है,
मेरे को सबसे बड़ा ये टेंशन है कि JNK चेक पोस्ट वाले मेरे को अलाउ करेंगे कि नहीं। अगर नहीं किया अलाउ मेरे को तो वापस नीचे आना पड़ेगा मेरे को टूवर्ड्स किलाड़, जो वापस मेरे को ये ऐसा ख़राब रास्ता पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। सामने जो दिख रहा है पहाड़ी, ये वाला, ये दैट इज़ क्लिफ हैंगर। ये जम्मू कश्मीर में जाने देते हैं ना? हाँ हाँ, जाने देंगे ना। परमिशन है? परमिशन कहाँ से? हिमाचल से। नहीं, वहाँ से नहीं लिया, वहाँ तो एंट्री दे दिया। नहीं, यहाँ पर भी दे देंगे। कौन सा लकड़ा होता है ये? क्या नाम बोले आप? देवदार। देवदार? हाँ। थोड़ा मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिले? थोड़ा दे दो ना मेरे को। अरे उतना बड़ा नहीं, इतना ही चाहिए, इतना। चलेगा? लाइए, कोई नहीं चलेगा। खुशबू बहुत बढ़िया है इसकी। हाँ। सबसे कास्टली लकड़ी है ना ये। अरे शुक्रिया। गुजरात। गुजरात से? अभी कहाँ से आए? किलाड़। किलाड़ अभी जाने का? सर जी, आप सिर्फ इस साइड खड़े रहे ना, मैं वो तरफ गिरू ना। ठीक है सर। क्योंकि ये दलंग। आओ आओ। शुक्रिया। फाइनली मेरे को जम्मू कश्मीर में एंट्री मिल गया रे बाबा, थैंक्स गॉड। ये अपन का एक्शन कैमरा बहुत काम में आता है, सिर्फ रास्ते पे फोकस करो ऐसे टाइम पे, कहीं उधर इधर मत देखो, नहीं तो गाड़ी नीचे उतर सकती है। स्टीप स्टीप स्टीप, तो इसको बोलते हैं चश्मे का पानी। ये जो पानी निकल रहा है यहाँ पर पहाड़ों का पानी को बोलते हैं चश्मे का पानी। यो मैं नीचे तो देखना ही मत, इधर आओ तो बहुत हाइट पे है, अभी तो और ऊंचाई होगी इसकी। हिमाचल गवर्नमेंट ये रोड्स क्यों नहीं डेवलप करती? यहाँ के लोगों के विचारों की तो मुझे दया आती है, क्योंकि उनको बड़ा दूर जाना पड़ता है सब लेने के लिए। यहाँ किलाड़ में तो पेट्रोल पंप भी नहीं है, यहाँ 110 रुपए का पेट्रोल मिलता है। तो गवर्नमेंट को, हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म को कुछ करना चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो ये ऊपर जाता है रास्ता, अपने को ऊपर वाला नहीं, अपने को नीचे वाला लेना है। टूरिज़्म से इतना पैसा आता है, तो ये रोड्स भी अच्छा बनाओ ताकि लोकल्स के लिए थोड़ा अच्छा हो, मूवमेंट के लिए आराम से वो लोग इधर उधर जा सके। ये तो बेचारों को, मेरा एक बंदे से बात हुआ कि बाइक भी रिपेयर कराना है उनको, तो किलाड़ से चंबा जाना पड़ता है, तो 2,500 रुपये भाड़ा होता है और अलग से सर्विस का कुछ पैसा होता है, वो देना पड़ता है। मतलब टोटल उनको 4,000 रुपये खाली एक नॉर्मल बाइक सर्विस करवाने के पीछे हो जाता है। तो यार थोड़ा देखो, कुछ करो इनके लिए गवर्नमेंट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हिमाचल बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत प्यारे हैं, बस अभी गवर्नमेंट को थोड़ा के लिए कुछ करना चाहिए लोकल्स के लिए। सो फाइनली नाउ वी आर ऑन द डेडलीस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। ये अपना टॉप 5 में आता है ये वाला रूट, विच इज़ नोन एज किलाड़ किश्तवार रूट। 60 किलोमीटर खराब पैच है, 60 किलोमीटर अच्छा पैच है। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ पर बंद करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बस ये लंबी बनाने का मतलब यही था कि आपको एक एग्जैक्ट सिनेरियो पता चले, अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर राइड करते हो तो ये क्या क्या आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और एकदम इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिया है इसमें। तो ये मेरा जो ट्रिप था वो स्टार्ट किया मैंने किलाड़ से, और ये इश्तियारी जो चेक पोस्ट है ये 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का ही मैंने आपको दिखाया है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा, दैट विल बी टोटल क्लिफ हैंगर। मतलब ये जो किलाड़ से किश्तवाड़ का जो रास्ता है, जो डेडली रूट है पांगी वैली का, वो आएगा। और फिर वहाँ से मैं बड़ौदा आया इन लाइक 2 डेज़। यहाँ से डायरेक्ट मैंने राइड किया टिल पठानकोट, और पठानकोट में स्टे लिया। उसके बाद आई वेंट टू रोहतक, एंड फ्रॉम रोहतक हरियाणा से आई केम स्ट्रेट अवे टू बड़ौदा। तो वो क्या एक ही साथ बनाऊँगा तो आपको भी मैं रोज़ एंटरटेन कर पाऊँ, तो ये मेरा मकसद है। तो बाय एनी मीन्स, इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।
इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको आगे भी मैं ऐसा एंटरटेन करता रहूँगा और मज़े देता रहूँगा. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट.